हमारे साथ हैं समस्तीपुर के नवनिर्वाचित MLC तरुण कुमार। हम उनसे बात करते हैं कि समस्तीपुर को लेकर उनका क्या विजन है और जिन जनप्रतिनिधियों ने उनको मत देकर जिताया है उनके लिए सदन में वो क्या आवाज़ बुलंद करेंगे। जी तरुण जी, बिहार तक की ओर से आपको सर्वप्रथम बधाई। तो ये क्या आपका ये रहेगा आने वाले समय में? जिस आशा और भरोसे के साथ हमारे जो जनप्रतिनिधिगण ने हमें जो अपना बहुमूल मत दिया है, उनका जो भी जन समस्या हो, सबसे पहला मूल समस्या उनका भत्ता का है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि कैबिनेट ने दो जो 500 रुपया वार्ड सदस्य का था उसको बढ़ा के 2000 कर दिया है, और उनके आगे जो भी लड़ाई होगी, जो उनके हक हकूक की लड़ाई होगी, जिस आशा और भरोसा के साथ हमको मत दिए हैं, हम उनके लिए सदैव खड़े रहेंगे और जो सदन में जो भी मांग उनके लायक होगा हम निश्चित रूप से उठाने का काम करेंगे। उन्होंने भी अच्छा कार्य किया था, क्या लगता है उनका भी आपको इस चुनाव में फ़ायदा पहुंचा है? निश्चित रूप से उनके किए हुए कार्यों का और उनके जो 12 साल उनका कार्यकलाप रहा उसका लाभ निश्चित रूप से हमें मिला है। तो क्या उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आगे कार्य करेंगे और उनका जो सपना था उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से उनके किए गए कार्यों को और जो छूटे हुए कार्यों को बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस छोड़कर आप भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा के लोगों के साथ लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की आपके चुनाव को लेकर, तो संगठन में क्या आपकी भूमिका रही? संगठन में क्या भूमिका रही ये तो शीर्ष नेतृत्व को डिसाइड करना है, और आगे जो भी पार्टी का काम होगा वो निश्चित रूप से हम करने के लिए सदा तैयार हैं। और क्या कहना चाहेंगे, समस्तीपुर के जो मुख्य मांग है, जो भोला टॉकीज घूमती है, वो आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, तो भोला टॉकीज घूमती को लेकर आपकी क्या पहल रहेगी? निश्चित रूप से भोला टॉकीज घूमती, मुक्तापुर घूमती और आपको दल सिंह सराय घूमती, सबसे पहले ये तीनों ज़रूरत है। जो भी जन समस्या है जो हम कर पाएंगे निश्चित रूप से करने का कोशिश करेंगे, और जहाँ तक आपको मालूम है पथ निर्माण मंत्री नवीन नितिन हैं, उनसे भी वो भी नौजवान लोग हैं और उनको अपनी समस्या का अवगत जरूर कराएंगे और कोशिश करेंगे कि इस जाम से हम निजात दिलाएं समस्तीपुर वासियों को। अपने जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने आपको मत देकर जिताया है? उनके लिए बहुत आभार, बहुत सम्मान, और इसी तरह अपना आशीर्वाद देते रहें और हम भी उनके लिए कुछ करते रहें, यही हमारी कामना है। तो देखा आपने कि नवनिर्वाचित MLC तरुण कुमार जनप्रतिनिधियों का जो मांग है मानदेय बढ़ाने का, उसको लेकर सदन में वो उठाने का काम करेंगे। अब आने वाला समय ही बताएगा कि वो जनप्रतिनिधियों के लिए और समस्तीपुर वासियों के लिए क्या काम करते हैं। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, बिहार तक।